नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर। और आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग कि 2024 में आप लोगों की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। अब ये कोई भी ब्लेसिंग हो सकती है, हो सकता है आपकी लव लाइफ रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो या इन जनरल हो। और साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगी कि यूनिवर्स आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो चलिए जल्दी से दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को आपकी पाइल सो दैट आप अपनी रीडिंग को देख सकें। ओके, सो वी हैव थ्री कार्ड्स ओवर हियर। यहाँ पर तीन कार्ड है, ये है कार्ड नंबर वन, ये है कार्ड नंबर टू एंड दिस इज कार्ड नंबर थ्री। इंट्यूटिवली आपको इनमें से कोई भी एक कार्ड जो है वो चूज करना है और उसका जो टाइम है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कौन से कार्ड की रीडिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगी। ओके, सो जस्ट पॉज दिस वीडियो, जो कार्ड अच्छा लगे दिल से उसको चूज कर लो, बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं है। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग की तरफ। आई एम ब्यूटिफुल लवली सोल। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर वन चूज किया है, चैरियट का कार्ड चूज किया है, लेट मी सी कि काली माँ क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है इन 2024। थैंक यू सो मच। प्लीज काली माँ हमें बताइए क्या ब्लेसिंग्स इन लोगों को मिलने वाली है इन 2024। वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स, वी हैव द कार्ड ऑफ टू ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ चैरियट। वाओ, दो चैरियट है यहाँ पे, एक इसमें से और दो दूसरे डेक में से। वी हैव द कार्ड ऑफ सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल जो मुझे पाइल नंबर वन आप लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है वो बहुत ही एक ऐसी एनर्जी है कि 2024 में, देखो एक तो 2024 में सैटर्न विल बी वेरी प्रोमिनेंट। क्यों? क्योंकि सैटर्न जो है वो अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में है, एक्वेरियस राशि में है। ऑल्दो सबकी कुंडली में हाउसेस डिफरेंट होंगे, बट स्टिल एक हार्डवर्क, एक डेडिकेशन, एक डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 2024 में। और जो लोग इस चीज़ का पालन करेंगे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनि देव जो है वो कर्म के हिसाब से जल देते हैं। मींस कि अगर आप अच्छा काम करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो यू विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। वही चीज मुझे आप लोगों की पाइल में यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस कार्ड ऑफ चैरियट जो हमारा यहाँ पर दो बार आया है। सबसे पहले हम इसी बारे में बात करेंगे। एक चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है कि 2024 में यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ना आपको खुद को भी डिटरमाइंड होना पड़ेगा। मीन्स कि आपको खुद से अपना मन बनाना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। सपोज कि मेरा ये पर्टिकुलर गोल है और इसी डायरेक्शन में मुझे आगे अपनी लाइफ में बढ़ना है, और उसके लिए आपको जो जो मेहनत करनी पड़ेगी। मींस कि अगर आप अपने करियर में कुछ आगे करना चाहते हैं तो आपको उसमें एक क्लैरिटी मिलेगी जो मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। एंड एट द सेम टाइम भगवान की तरफ से यहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे बीच में हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन दिस पर्टिकुलर जर्नी, जो आपको इस जर्नी में सपोर्ट करेंगे यहां पर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे ना टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है कि आप लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारे भ्रम हैं अपने आप को लेके। मीन्स आपको लगता है कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, या यू नो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप इस चीज़ के लिए ठीक नहीं हो बिकॉज यू आर नॉट वर्दी फॉर दिस थिंग। बहुत सारे फियर्स जो है वो आपके माइंड के अंदर है, बट वॉट आई एम सीइंग कि 2024 के अंदर ये सारे फियर्स जो है वो आपके माइंड से यहाँ पर निकलने वाले हैं, और उसमें यूनिवर्स आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको एकदम से रियलाइज होगा कि अब बहुत हो चुका है, अब मुझे खुद से यू नो अपनी लाइफ में चीजों को करना पड़ेगा, बेटर करना पड़ेगा, और आप वो चीज करोगे क्योंकि आपके ना अंदर से कॉन्फिडेंस आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग ना हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम जस्ट गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांग एनर्जी ऑफ हनुमान जी। एक मार्स की यहाँ पर एनर्जी है, तो कुछ लोग यहाँ पे मांगलिक भी हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है। वेरी इंटेंस एनर्जी ऑफ मार्स इज ओवर हियर। एट द सेम टाइम विद दिस लवर्स कार्ड आई एम सीइंग कि आप अपना जो पैशन है वो 2024 में फॉलो करने वाले हैं। अब पैशन कुछ भी हो सकता है, किसी का पैशन है कि उसको पायलट बनना है, किसी का पैशन है उसको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कुछ भी हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर व्हाट आई एम सीइंग कि आपका जो 12th हाउस है वो 2024 में एक्टिवेट होगा। 12th हाउस हाउस ऑफ प्लेजर, फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, आप किसी एमएनसी में जॉब कर सकते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, दैट कैन हैपन। एंड यहाँ पर मुझे एक इनकम आते हुए दिखाई दे रही है, मतलब कि पैसा आता हुए दिखाई दे रहा है, एक ऐसा पैसा जो कि एकदम से अचानक से आ सकता है आपकी लाइफ में, दैट कैन हैपन। ओके, एंड विद दिस लवर्स कार्ड आई एम सीइंग अ पार्टनर इज गोइंग टू कम इन टू योर लाइफ।
अगर आप लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं तो देयर आर वेरी वेरी स्ट्रांग चांसेस दैट यू आर गोइंग टू मीट समवन इन 2024. इट्स अ वेरी स्ट्रांग साइन. लेट मी सी विद मोर कार्ड्स. प्लीज काली माँ, प्लीज हमें बताइए 2024 में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं लोगों की लाइफ में. सिंप्लिसिटी, वाओ, पीस, ब्लेसिंग्स. यू गाइस आर रियली लकी. पाइल नंबर वन, सिंप्लिसिटी मुझे दिखा रही है कि देखो, जैसे कि होता है ना लाइफ में दैट वी हैव लॉट ऑफ टाइम लॉट ऑफ स्ट्रेस. उतना प्रॉब्लम लाइफ में होता नहीं है जितनी हम लाइफ में ना स्ट्रेस ले लेते हैं कि अरे ये चीज़ कैसे होगी, वो चीज़ कैसे होगी. एंड समटाइम्स यू नो व्हाट इट हैपन कि हम ना एक्शन नहीं लेते, हम स्ट्रेस लेते हैं एक घंटे तक, दो घंटे तक, तीन तीन चार चार घंटे तक और दिन तक, और हम प्रोकेस्टिनेट करते रहते हैं कि ये काम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे. लेकिन उसका स्ट्रेस हम बिल्कुल लेते हैं, उसकी हम कोई कमी नहीं छोड़ते. एंड ये क्या चीज़ होती है कि अगर हम उस चीज़ को कर लें तो आप देखोगे कि आपको बाद में रियलाइज होगा कि आप बिन बाद इतना स्ट्रेस ले रहे थे, आपके अंदर फियर्स थे कि आप कैसे कर पाओगे, कैसे होगा. लेकिन जब आपने किया तब आपको रियलाइज हुआ कि वो इतना भी मुश्किल नहीं था जितना आपका माइंड आपको फील करा रहा था, जितना आपका माइंड आपको फियर्स दे रहा था. क्योंकि यहाँ पे एक फियर वाली एनर्जी बहुत ज्यादा है. कुछ लोगों का यहाँ पे राहु मून कंजंक्शन हो सकता है, शनि मून का कंजंक्शन हो सकता है, या आप लोगों का साढ़े सती शनि चल रहा है, या कुछ ना कुछ ऐसा पीरियड चल रहा है कि मून की महादशा है, उसमें मार्स है. दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल जो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है. बट विद दिस कार्ड ऑफ ब्लेसिंग ओवर हियर, येस डेफिनेटली अगेन एक ब्लॉसमिंग चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे कि होता है ना कि आपके जीवन में एक फ्रेशनेस आ रही है, फूल खिल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. कुछ लोग जो है बहुत सुंदर जगह कहीं घूमने जा रहे हैं और आप डिवाइन से बहुत कनेक्टेड महसूस करोगे. आप लोगों के लिए ना 2024 में दान करना, स्पेशली बच्चों को, बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा. उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे लाइफ में. कोई अगर ऑब्स्टिकल आ रही है या आपको कोई हेल्थ इश्यू आ रहा है तो आई एम सीइंग कि अगर आप वो चीज़ करोगे तो आपको अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए. और आप उस चीज़ को ना वेंसडे एंड फ्राइडे को कर सकते हैं, ठीक है. वी हैव दिस कार्ड ऑफ सिंप्लिसिटी एंड विद दिस कार्ड ऑफ लव. अगेन आई एम सीइंग कि देखो क्या होता है कि हमारे अंदर फियर्स क्यों आते हैं अपने आप को लेके, या हमें अपने आप को लेके अनवर्दी क्यों महसूस होता है. उसका रीज़न ये होता है कि हम अपने आप से उतना प्यार नहीं करते जितना हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं. मीन्स कि हम अपने लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गलत बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते. हमारी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है तो भगवान हमें आगे भी कुछ अच्छा देगा ही नहीं. ये सबसे ज़्यादा ना एक कॉमन लाइन होती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे दिमाग में चलती है कि पहले तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, भगवान अभी भी हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड आगे भी कुछ अच्छा नहीं होगा. वो चीज़ ना आपको खुद से निकालनी है. ऑल दो यूनिवर्स आपको 2024 में बहुत पुश भी करेगी इस चीज़ को निकालने के लिए, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आपको भी उस चीज़ पे मेहनत करनी है जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं. चलिए थोड़े से और कार्ड्स निकालेंगे टू गेट मोर क्लैरिटी, और एंड में हम गाइडेंस भी देखेंगे जिसका आप लोग वेट कर रहे होंगे कि क्या गाइडेंस है 2024 के लिए. प्लीज़ काली माँ, प्लीज़ हमें बताइए और क्या 2024 में दे कैन एक्सपेक्ट. या यू आर कमिंग विद लॉट ऑफ साइकिल्स, यू आर कम्प्लीटिंग लॉट ऑफ साइकिल्स इन 2024. ये कुछ नेगेटिव साइकिल्स हैं, मीन्स कि आपके अंदर एक भ्रम है कुछ लोगों को लेके, अपने बारे में कुछ चीज़ों को लेके आप नेगेटिव सोचते हो, आप उससे बाहर आओगे. वी हैव द कार्ड ट्विन फ्लेम, यिंग एंड यांग, ज़ेन, बैलेंस, यूनियन, ड्यूअलिटी, कपलिंग, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक स्ट्रांग कनेक्शन बनता हुआ आपका दिखाई दे रहा है 2024 में, एंड ये बहुत प्रोमिनेंट कनेक्शन है. वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ रनर. अगर यहाँ पे आप लोगों को आदत है कोडिपेंडेंसी की, आप सामने वाले इंसान के बहुत पीछे भागते हो, या शुरू में तो आपको लगता है कि नहीं आपको रिलेशनशिप में आना है, बट जैसे ही वो रिलेशनशिप बहुत क्लोज आता है समवेयर आप उससे दूर भागने लगते हो, तो उस चीज पे बिना यू आर गोइंग टू वर्क इन 2024. वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ हीलिंग, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एडिक्शन. एज आई टोल्ड यू कि आपकी कुछ पास्ट लाइफ साइकिल्स हैं जिसको आप खत्म कर रहे हो, जहां पर आप नेगेटिव साइकिल से बाहर निकल रहे हो. ओके, सो लेट मी सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या होने वाली है, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे लव लाइफ को लेके हो. और एंजल मैसेजेस भी हम यहाँ पर देखेंगे. ओके, प्लीज काली माँ, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम. तब तक आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं दैट आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन माई लाइफ टू क्लेम दिस एनर्जी. थैंक यू सो मच काली माँ. प्लीज हमें बताइए क्या मैसेजेस हैं लोगों के लिए. वी हैव द कार्ड यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट
स्टारडस्ट. ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा. बेसिकली दिस कार्ड इज जस्ट गिविंग मी दिस एनर्जी. भगवान, अल्लाह, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, वो ही आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब लोग जो हैं वो यूनिवर्स का पार्ट ही हैं, एक भगवान का ही हिस्सा है. एंड हम लोगों में सब में कुछ ना कुछ स्पेशल है. हमें लगता है कि कि हमें कुछ स्पेशल नहीं है, बट द रियलिटी इज कि अगर आप इस प्लैनेट पे आए हो तो हर किसी में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है. या तो बहुत क्रिएटिव होगा, या फिर वो पढ़ाई में अच्छा होगा. आप कुछ लोग कहेंगे कि ना तो मैम हम क्रिएटिव है ना हम पढ़ाई में अच्छे हैं, बट इट डजंट मीन लाइक दैट. इट मीन्स कि आप किसी एक काम में या किसी एक क्षेत्र में अपने जीवन में अच्छे हो. हर एक इंसान होता है. कुछ लोग कुकिंग में होते हैं, कुछ लोग मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल चीज़ें बहुत इजीली ठीक कर लेते हैं. सो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें आप अच्छे हो. और ये फीलिंग ना और आपकी बढ़ेगी. मीन्स कि यूनिवर्स ना चाहती है कि आप ऐसा फील करो. आप ये चीज़ समझो कि वो समझते हैं कि आप बहुत स्पेशल हो. एंड आपको ये चीज़ अब समझनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इस एनर्जी में आओगे ना, आप अपना ये पास्ट की चीज़ें हील करते जाओगे. एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. और कुछ लोग ले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ सपना सोचा था बट आपको लगा कि ये पूरा नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आप 2024 में उसमें काम करने वाला. जैसे कि मुझे दिख रहा है कि किसी ने अब्रॉड में कोई जॉब अप्लाई करी. इट जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट लाइक ये बहुत बड़ी चीज़ है, बट एग्जाम्पल है कि किसी का सपना हो सकता है. उसने अप्लाई किया बट उसको था कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है. एंड बाई चांस वो चीज़ आपकी बन गई, और उसके साथ साथ जो भी प्रोसेस था वो भी आपका धीरे धीरे अपना बनता गया. तो इस तरीके की मुझे एनर्जी दिख रही है कि जो चीज़ आपने सोची भी नहीं होगी वो चीज़ होगी. बस आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड रहना है एंड थिंग्स विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्कआउट इन 2024. प्लीज़ काली माँ, प्लीज़ हमें हेल्प करिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड दोनों इंक्लूडेड है, साथ ही साथ ओरेकल कार्ड है, रेमेडीज है, वैदिक रेमेडीज, नॉर्मल रेमेडीज, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं टू वॉच मोर पिक अ कार्ड रीडिंग्स. थैंक यू सो मच. और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. प्लीज़ काली मैम हमें बताइए क्या मैसेज है इन लोगों के लिए. वी हैव द मैसेज ऑफ रिमेन पॉजिटिव. सी आई टोल यू, यू नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर सेल्फ, टू अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी इन योर लाइफ विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स. वाओ, सो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक कुछ ना कुछ आपको ना एक रियलाइजेशन होगा कि यार हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ में ना चीज़ों को लेकर बहुत वैसा सोच रहा हूँ जैसा कि एक्चुअल में है नहीं. और यूनिवर्स ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऊपर से ना आपके ऊपर कोई जैसे ग्लिटर स्पार्कल करते हैं ना, कोई चीज़ इसे डाल रही है. लाइक दे आर गिविंग यू दिस ब्लेसिंग कि आप अंदर से हैप्पी फील कर रहे हो, या आप अपने अंदर सुधार लेके आ रहे हो, अपनी सोच को बदल रहे हो, एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो. वो चीज़ें जो है ना वो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स यहाँ पर होने वाली है. सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो. डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, चलिए देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली है. प्लीज काली माँ, क्या ब्लेसिंग्स इन लोगों की लाइफ में आने वाली है इन 2024. वी हैव द कार्ड ऑफ हायरोफेंट. वाओ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज गोइंग टू हैपन इन 2024 फॉर पाइल नंबर 2. थैंक यू सो मच. प्लीज दुर्गा माँ, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है. वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ सॉर्ड्स, द मून. प्लीज माता रानी, क्या ब्लेसिंग्स जो है वो आने वाली है. ओके, वी हैव लॉट ऑफ कार्ड्स, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. चैरियट, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था. ओके, सो पाइल नंबर 2, व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर. पहली बात तो कार्ड्स देख के डरना नहीं है कि व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स. इनको थोड़ा बहुत कार्ड्स देखना समझ में आता है, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इट्स लाइक अ स्टोरी फॉर यू गाइस. यहाँ पे स्टोरी मुझे ये दिखाई दे रही है. अब दिस इज गोइंग टू बी बिट स्पेसिफिक, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, हो सकता है बहुत लोगों से मैच ना करे, बट कुछ ना कुछ 2023 जो है ना काफी लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है यहाँ पे. और वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किन किन का अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रांग एनर्जी कि 2023 के अंदर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है. सॉरी अगर मैंने उसे 2024 बोला हो, आई एम टॉकिंग अबाउट 2023.
2023 के अंदर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है कि आपने जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो चीज़ आपकी लाइफ में हुई, आपका दिल टूटा या आपको कुछ फेलियर एक्सपीरियंस करना पड़ा. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ थिंग जो आपको, जिसने आपके सोल को या आपको बहुत ज़्यादा हिट किया है, स्पेशली आपके ईगो को, क्योंकि आपने वो सोचा ही नहीं था कि अभी या कभी भी आपके साथ ये चीज़ हो सकती है. हो सकता है कि राइट नाउ यू आर ब्लेमिंग भगवान और यूनिवर्स और अल्लाह गॉड कि आपने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और आपने मेरे साथ मेरी लाइफ में ऐसा क्यों किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आई एम ऑलवेज काइंड विद अदर पीपल, वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग इन टू माई लाइफ. This is what I'm getting over here. This kind of energy जो यहाँ पर आ रही है. But what I'm seeing, जो मैंने आपसे शुरू शुरू में कहा था, that I am getting energy of spiritual awakening. And can you see that हमारे पास यहाँ पर magician तो है, इसके साथ साथ दो और major arcanas है, इसको मिला के तीन, total चार. What I'm seeing कि बहुत ही major shift जो है ना parliament टू आप लोगों की life में आने वाला है, स्पेशली अप्रैल के बाद 2024 के अंदर. अप्रैल के बाद क्यों? जुपिटर का ट्रांजिट होगा इन द साइन ऑफ टॉरस, एंड व्हाट आई एम सीइंग कि एक मेजर शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में आएगा. एंड अप्रैल तक आई एम सीइंग कि आप जो है ना, जो ये पुरानी चीज़ें हैं इनको पीछे करते जा रहे हैं, अपनी लाइफ में क्लियर होते जा रहे हैं, रास्ता बनाते जा रहे हैं. और जो इंसान 2024 में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जब वो पीछे मुड़ के देखेगा ना, तो आपको लगेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये बाहरी कोई आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हुई है, इसका मतलब ये होता है कि इंटरनली आई एम सीइंग वेरी मैच्योर पर्सन. कोई बहुत मैच्योर पर्सन है यहाँ पे, कोई ओल्ड सोल है जिसने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ना वो बहुत समझदार बना है, वाइज बना है. हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो या रिलीजियस प्लेसेस पे भी घूमने जाओ, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल. या आप दूसरों लोगों को भी हेल्प करोगे, किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम को लेके आप दूसरों लोगों को हेल्प करने वाले हो, या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा पर्पस चूज करने वाले हो जहां पर आपको लगेगा कि आपको लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या लोगों को इस चीज़ में आपको हेल्प करना है. अब वो बेशक छोटी सी ही चीज़ हो सकती है, बट आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जो मुझे यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है. उसके अलावा यहाँ पे ये ना अभी आपको इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्काइज, मीन्स कि एक ऐसी ब्लेसिंग है जो आपको उस समय मिलेगी जब अपनी लाइफ में ना सबसे डार्केस्ट फेज पे आप हो, जो हो सकता है काफ़ी लोग अभी ही हैं. मुझे यहाँ पर दिख रहा है 98% लोग उस फेज में अभी हैं, एंड यहाँ पर आपको ये लाइट दिखाई देने वाली है कि आपको एक उजाला दिखने वाला है. आपको रियलाइज होगा कि ये सब कुछ क्यों क्यों हुआ आपकी लाइफ में, किस वजह से हुआ. यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. बहुत लोगों को आप माफ़ करने वाले हैं, फॉरगिव करने वाले हैं. अपने शोल्डर के ऊपर जो आपने एक बोझ रखा हुआ है ना पार्लियामेंट टू, आप उसको उतार के फेंकने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. एंड विद दिस कार्ड ऑफ द मून एंड चैरियट, मून मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा होता है ना कि जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं या हमें सॉल्यूशन नहीं पता होता, तो हमें क्या कहा जाता है कि सरेंडर करो, यू नो यू नीड टू सरेंडर. अब सरेंडर का यहाँ पे मतलब ये दिख रहा है कि आप जो है ना, आपके जो भी इमोशंस हैं, आप उसमें बह रहे हो, आप अपने इमोशंस को ना बहुत ज़्यादा बांध के नहीं रख रहे हो या बहुत ज़्यादा छिपा नहीं रहे हो, उनको रिप्रेस नहीं कर रहे हो. व्हाट आई एम सीइंग विद दिस कार्ड ओवर हियर इज कि आप उस इमोशंस को एम्ब्रेस कर रहे हो. बचपन में जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखी है लाइफ में, आज तक जो कुछ भी देखा है ना, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ है और ये हो चुका है, एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ, और यही मेरी लाइफ की रियलिटी है. आप ईगो में नहीं जी रहे हो. एंड देन देयर इज दिस बूम. बूम मीन्स वी हैव दिस कार्ड ऑफ मैजिशियन, वी हैव दिस कार्ड ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल, वी हैव दिस कार्ड ऑफ चैरियट. व्हाट आई एम सीइंग कि एकदम से ना यू विल रियलाइज कि नाउ इज द राइट टाइम, कि मुझे पता है कि अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे लेना है. मीन्स दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर अ न्यू बिगनिंग. एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में जो है वो 2024 में शुरू होगी. आई एम जस्ट गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांग एनर्जी. कुछ लोग यहाँ पे ना शनि की अंतरदशा, राहु की अंतरदशा हो सकता है चल रही है, या कुछ ना कुछ मेलिफिक प्लैनेट की दशा चल रही है जो आपके बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है, और एक साल से या डेढ़ साल से आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल है और आपको उसकी रीज़न नहीं पता, बट वो सारी चीज़ें ना संभलने वाली हैं 2024 के अंदर. वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स. दिस कार्ड इज गिविंग मी दिस इंडिकेशन कि यहाँ पर आप अपने आप को लेके काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करने वाले हैं. काफ़ी चीज़ों में कुछ लोगों की नई जॉब यहाँ पर लग सकती है. अगर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर जो है, अगर आप अपना कॉलेज खत्म करने वाले हैं, तो आपको जॉब मिल जाएगी. बहुत टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर वर्क करना पड़ेगा, आपको जॉब यहाँ पर मिल जाएगी, जो मुझे दिख रहा है.
वेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, तो आई एम सीइंग कि अगर आपको लव लाइफ में किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है. लेट मी सी विद द कार्ड व्हाट ब्लेसिंग इज कमिंग इन योर लाइफ. प्लीज काली माँ, क्या ब्लेसिंग आने वाली है इन लोगों की लाइफ में. एक्चुअल में वी हैव द कार्ड लव कॉल. समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो. यहाँ पर ना मुझे दो मैसेजेस आ रहे हैं. पहला, किसी के साथ आपका पास में लड़ाई झगड़ा हुआ है, या कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव, सिबलिंग, भाई, या फिर कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है. एंड आपको लगता था कि हो सकता है उस इंसान ने आपसे ना एकदम से बात बंद कर दी, जिस वजह से आप बहुत हर्ट हो गए और अपने आप को ब्लेम करने लग गए. बट हो सकता है कि या तो नेक्स्ट ईयर उस इंसान का कॉल आए, वो कुछ आपको बताएं. ज़रूरी नहीं है कॉल आने का मतलब ये है कि वो अपना लव एक्सप्रेस करेंगे या आपके एक्स जो है वो वापस आ रहे हैं. नो, दिस इज नो नो नो, ऐसा मैसेज नहीं है. मैसेज यहाँ पर यह है कि हो सकता है कि आपकी उनसे कोई बात हो सकती है, या आपको उनके थ्रू सोशल मीडिया पे कुछ दिख सकता है, जहाँ से आपको रियलाइज हुआ होगा कि आप जो है ना, आपने जितना भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने ऑब्जॉर्ब कर ली. मीन्स कि आप अपने बारे में बहुत गलत सोचने लग गए, बहुत नेगेटिव सोचने लग गए, या आपने सोच लिया कि सामने वाले ने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, जबकि ऐसा नहीं था. वो इंसान किसी और सिचुएशन में था, या उसने आपके बारे में इतना नेगेटिव नहीं सोचा, उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी, या उसकी अपनी लाइफ में उसको डिसीजंस लेने थे, कुछ भी हो सकता है रीजन. वो चीज़ ना आपको 2024 में समझ आएगी. एंड अगेन येस, दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट कोई इंसान आपसे अपने प्यार का इजहार यहाँ पर करने वाला है. वी हैव द कार्ड ऑफ नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स. येस, हो सकता है इंसान आपको अभी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा रहा है, बट 2024 में डेफिनेटली आपकी किसी ऐसे इंसान से बातचीत यहाँ पर हो सकती है. वी हैव द कार्ड ऑफ बोट, रिसीविंग वॉट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन एंड क्लोजर इशू. येस, तो आई एम सेइंग कि आप लोग, बहुत सारे लोग जो कि यू नो एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, या इस कन्फ्यूजन में है कि यू नो लव लाइफ में मिलेगा भी या नहीं, बहुत सारी रीडिंग्स देख ली, कौन फ्यूचर स्पाउस होगा, किससे शादी होगी, क्या होगा, बहुत स्ट्रेस में हो, डोंट वरी, अप्रैल के बाद कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे बनने वाला है. किस भी तरीके से बने वो सबका डिफरेंट होगा, बिकॉज अगेन इट्स अ जर्नल रीडिंग, बट डेफिनेटली वो बनने वाला है. अगर आप अपनी लव लाइफ में किसी पर्सन को ढूंढ रहे हो, तो डू दिस एफर्मेशन दैट आई एम अट्रैक्टिंग लव इन माई लाइफ एंड आई एम अट्रैक्टिंग अनकंडीशनल लव इन माई लाइफ. ये आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी. लेट मी सी कि और करियर में या जनरली हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे. प्लीज काली माँ, प्लीज हमें बताइए पाइल नंबर टू के लिए करियर के लिए लेके. वाओ, कैन यू सी दैट वी हैव द कार्ड सन ओवर हियर. वी हैव द डेथ कार्ड. यस, यू आर एंडिंग अ साइकिल. आप एक साइकिल को एंड कर रहे हैं, वही blessing in disguise. You are ending a cycle and we have the card of sun over here which is giving me this very very bright indication ki aap khud se na apne aap ko leke bahut happy mehsoos karenge. Aapko lagega kya yaar life mein ekdam se na nazariya hi badal gaya mera to life ko leke, aur main kya soch rahi thi aur ab kaisi life chal rahi hai. You will be very happy. You will also understand this thing ki happiness jo hai na life mein wo aapko create karni hoti hai. वो क्रिएट तब होती है जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को माफ़ करते हैं और बाकी लोगों को भी माफ़ करके जीवन में आगे बढ़ते हैं एंड खुले हाथों से नई चीज़ों का स्वागत करते हैं. और वो जो नई चीज़ें आने वाली हैं वो बहुत ही, जैसे कि मुझे अबंडेंस दिखाई दे रही है लाइफ में. आपके अच्छे लोग आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे. आप काफ़ी लोगों से सोशलाइज करने वाले हैं, आपको बहुत लोगों के बारे में जानने को मिलेगा ना. आपको रियलाइज़ होगा कि यार लोगों की लाइफ में ऐसे भी होता है, लोगों की लाइफ इतनी भी ऐसी भी होती है, इतनी चैलेंजिंग भी होती है, हमारी लाइफ में फिर भी भगवान ने ये सारे चैलेंज नहीं दिए हैं. तो यू विल फील वेरी ब्लेस्ड. एकदम से ना चीज़ें आपकी चेंज होंगी सोचने को लेके ना. लेट्स सी. वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ कप्स. नाइन ऑफ कप्स अगेन मुझे दिखा रहा है कि सोल अवेकनिंग, कि आपका सोल जो है ना वो जो भी फियर्स है उससे बाहर निकल के आ रहा है, बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा है. इसके लिए आपको कोई पैसों की या कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ की जरूरत नहीं है जो आप महसूस करने वाले हैं. और देख लेते हैं एंजल आंसर कार्ड से या बाकी कार्ड से कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, आपको क्या करना चाहिए 2024 के लिए. थैंक यू सो मच. प्लीज काली माँ. एंड पाइल नंबर टू, अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं कि 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, जिसमें कि कुंडली आपकी एनालाइज की जाएगी एंड टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, और आपको वैदिक रेमेडीज भी दिया जाएगा कोई भी अगर इशू है उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और पिक अ कार्ड रीडिंग देखने के लिए. थैंक यू सो मच. प्लीज़ काली माँ हमें बताइए क्या मैसेज है इन लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है.
वाओ यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। कुछ लोगों के साथ ना यहाँ पे हो सकता है पहले पाइल नंबर वन भी देख के आए हो। वी हैव द कार्ड कम होम टू योर सेल्फ स्केपिस्ट। ओके, अब स्केपिस्ट का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि हो सकता है आप बहुत टाइम से ना अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहे थे। एंड देखो, हमेशा एक बात कही जाती है कि हमारे अंदर कोई भी अगर डिजीज होती है या कोई भी बीमारी अगर हमारे अंदर आ गई है, तो वो बीमारी जो है वो कैसे हुई है, इमोशंस की वजह से। कहीं ना कहीं हमारी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं थी, या हमने कुछ ना कुछ अपने इमोशंस दबा रखे थे, जिस वजह से अब हमारी बॉडी जो है कुछ ना कुछ उसे हेल्थ इश्यू हो गया। तो अगेन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हो सकता है कुछ लोगों को 2023 में कुछ ना कुछ हेल्थ इशू भी हुआ हो। एंड दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि 2024 में ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एम्ब्रेस योर सेल्फ। आप जैसे हो ना, अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। हर इंसान डिफरेंट होता है, आप किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी तरह नहीं बन सकते, सामने वाला भी आपकी तरह नहीं बन सकता। लेकिन जो आप में चीज़ें अच्छी हैं उनको अप्रिशिएट करो, और जो कुछ भी जीवन में है, छोटा है बड़ा है, जो जो कुछ भी है लाइफ में, ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि आपको ये सब जीवन में मिला है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में ना एक एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट करने वाली है। गणेश जी की एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रांग इन दिस पाइल। हो सकता है कुछ लोग काफ़ी पूजा करते हो, दैट कैन पॉसिबल। एंड विद दिस कार्ड ऑफ यूनिवर्स वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। अगेन, दिस कार्ड इज गिविंग मी वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन कि 2024 में यू विल अंडरस्टैंड कि सारे लोग जो है, इंडिविजुअल जो है, देखा जाए तो वो यूनिवर्स का ही पार्ट है, राइट? हम भगवान का ही पार्ट है हम सारे लोग। तो हर एक इंसान डिफरेंट है पर बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ। और आप में ना पाइल नंबर टू कुछ ना कुछ टैलेंट है, कुछ ना कुछ स्किल है। आप लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। हो सकता है आप खुद ही किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हो, या फिर आप, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत टैलेंटेड हैं यहाँ पे। कुछ ना कुछ आपके पास स्किल है जो कि बहुत अच्छा है, जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। उस चीज़ में बिना आप आगे कुछ करोगे, वो डायरेक्शन जो है वो आपको मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगी, वो आपको यूनिवर्स दिखाएगी। क्योंकि मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ ना आपने बहुत अच्छी चीज़ एक है, आपका एक स्किल है, आपका एक लाइफ पर्पस है, और वो ना आपको 2024 में फील होना शुरू हो जाएगा। लेट्स सी एंजल आंसर कार्ड के थ्रू। प्लीज काली माँ, क्या मैसेज है इन लोगों के लिए? वी हैव द कार्ड पीसफुल रेजोल्यूशन। दिस कार्ड इज गिविंग मी कि कहीं ना कहीं 2024 में यू विल फील दिस पीस। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो दूसरे लोगों से आप हेल्प मांग सकते हो। और मुझे ये कार्ड ये भी दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे 2024 में जो आपको हेल्प करेंगे। या आप, जैसे हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे ट्रेवल करें, तो आपका जो नजरिया है चीज़ों को लेके, इट कैन चेंज। तो वी हैव द कार्ड ईयर फ्रॉम नाउ। तो येस, नेक्स्ट ईयर जो है, डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस दैट आर कमिंग इन टू योर लाइफ, एंड नो नीड टू वरी। कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रेस लेने की। थोड़ा सा ना सरेंडर करने की कोशिश करो, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करो। बहुत ज़्यादा दबा के मत रखो कि दुनिया कहती है कि इस टाइम हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए या इतना ज़्यादा सेंसिटिव या इमोशनल नहीं होना चाहिए। नो, आपको उस टाइम आपका जो सोल कहता है या आपकी इंट्यूशन जो कहती है उसको फॉलो करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सो आई होप दैट यू लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय माय लवली सोल्स, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, कोई नो वांट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग की रीडिंग। प्लीज काली माँ, प्लीज हमें बताइए पाइल नंबर 3 के लिए 2024 में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है इनकी लाइफ में। प्लीज काली माँ, क्या ब्लेसिंग आने वाली है इन लोगों की लाइफ में 2024 में। वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस, वाओ, द फूल, वाओ, दो मेजर अकानस, पाइल नंबर 3, ओ माय गॉड, वी हैव जजमेंट, 4 मेजर अकानस। बहुत मेजर शिफ्ट जो है आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाला है पाइल नंबर 3, व्हाट आई एम सीइंग। वाओ, वी ऑल्सो हैव द कार्ड किंग ऑफ कॉइन्स। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है कार्ड्स के अंदर, व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज कि अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, या इफ़ यू गाइज आर मैरिड, अगर आप थोड़ा बहुत भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, 2024 में आप दोनों उस लेवल पे आएंगे जहाँ पर आप मैच्योरली डिसीजंस लेंगे लाइफ में, और एक दूसरे से अच्छे तरीके से रिलेशनशिप बना के रखेंगे, जो मुझे दिख रहा है। मींस कि आप रिलेशनशिप को बेटर करने वाले हो 2023 में, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई एम सीइंग थ्रू दीज कार्ड्स इज मेजर शिफ्ट। मेजर शिफ्ट किस चीज़ में यहाँ पर जो है, पहली बात तो आपने, हो सकता है 2023 में, 22 में, 21 में, या फिर आप काफ़ी टाइम से ना बहुत हार्डवर्क अपनी लाइफ में करते आ रहे हो, या किसी चीज़ को लेकर ना बहुत परिश्रम कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। लव लाइफ हो सकती है, करियर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। व्हाट आई एम सीइंग कि भगवान आपको जस्टिस देने वाला है
2024 के अंदर, जस्टिस इन द सेंस कि यू विल फील कि अब फाइनली वो आपको चीज़ मिल गई है जिसके लिए बहुत सालों से लगे हुए थे. इट कैन बी अ जॉब, आप हो सकता है किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल जो आपको 2024 के अंदर यहाँ पर मिलने वाला है. कुछ लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो अपने घर से दूर जा रहे हैं. अब घर से दूर जाना, इट कैन बी एनी रीजन, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, या हो सकता है यू आर गेटिंग मैरिड, इट कैन ऑल्सो पॉसिबल, राइट? तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर घर से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. हो सकता है सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू बाई अ हाउस इन 2024. 2024 में आप लोग कोई घर खरीदने वाले हैं, या यू नो आपको शेयर मार्केट से कुछ बेनिफिट होने वाला है, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल. पर इट डजेंट मीन कि अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है और आप ये रीडिंग सुन के यू नो पैसे इन्वेस्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा. नेक्स्ट ईयर ही देखिएगा जो आपको करना, और सोच समझ कर ही वो चीज़ों को करिएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई एम ऑल्सो सीइंग कि यूनिवर्स ना यहाँ पर आपको एक ब्लेसिंग और अपॉर्चुनिटी दे रही है. लेट मी सी क्या ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी है. देखो, न्यू बिगनिंग इज व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर विद दिस कार्ड ऑफ फूल. एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर आ रही है. और अगर आप लोग सिंगल है ना, और बहुत टाइम से स्ट्रेस्ड है कि वाई आई एम सिंगल एंड वाई देयर इज नथिंग हैपनिंग इन टू माई लाइफ, कुछ भी आप सोच सकते हैं, विद दिस फूल कार्ड व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज कि आप अपना वो सिंगल वाला फेज ना थोड़ा इंजॉय करने वाले हैं. एंड देन यू आर गोइंग टू मीट समवन, बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ कप्स. इसको क्वीन ऑफ कप्स भी हम समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही केयरिंग होगा, और आपको उस इंसान की कंपनी बहुत अच्छी लगेगी. प्लीज कालीमा, वी हैव द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ कॉइन्स. वाओ, किसी से आपको कुछ ना कुछ, जैसे मैंने कहा था, ब्लेसिंग, कुछ बेनिफिट मिलने वाला है. यहाँ पे सिक्स ऑफ कॉइन्स मुझे दिखा रहा है यहाँ पे कि अगेन कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट आपको किसी से यहाँ पर मिल सकता है, या आपकी फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है वो बढ़ने वाला है. मीन्स कि आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें चीज़ें बेटर होने वाली हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के पैसे और जुड़ने वाले, मीन्स कि सेविंग्स आपकी और अच्छी हो जाएंगी. कहीं ना कहीं सेविंग्स कैसे अच्छी होगी, जब आप उनको अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, राइट? तो वो चीज़ दिख रही है कि 2024 में यू आर मैनेजिंग योर सेविंग्स, और वो चीज़ें आपकी फाइनेंशियली बेटर होती जा रही है और अच्छी होती जा रही है. अगर आप लोग किसी लीगल केस में फंसे हुए हैं, तो उस केस से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है. काफी चांसेस है कि वो केस जो है वो आपके फेवर में हो. अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइन्स. सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू क्रिएट लेगेसी. आप अपनी लाइफ में ना कुछ बहुत मेजर करोगे. हो सकता है वो अपनी लेटर एज में करो, 40 के बाद हो सकता है या आगे हो सकता है, बट व्हाट आई एम सीइंग कि उसकी जो शुरुआत है ना, वो आपके जीवन में अब शुरू होने वाली है. कुछ लोग यहाँ पर 30-35 के हैं, उनकी लाइफ में वो शुरू हो गई है. कुछ लोगों की लाइफ में धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. एंड अगेन आई एम सीन लॉट ऑफ हैप्पीनेस. जैसे कि होता है ना कि घर में कोई शादी हो रही है, या फिर यू नो आपकी फैमिली और बढ़ रही है, यू आर गेटिंग मैरिड, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई एम गेटिंग, कि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो और एक्सपैंड हो रही है लाइफ में, आप ग्रो कर रहे हो. जैसे जुपिटर की एनर्जी होती है ना, जुपिटर इज ऑल्सो अ नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट. तो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर इज कि जुपिटर की एक ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है. बहुत जगह आपको ऐसा लगेगा कि अरे यहां तो ये चीज बन नहीं सकती, बट वो बन जाएगी. मीन्स कि वो आपका काम आसानी से बन जाएगा. एंड दैट इज जुपिटर. जुपिटर आपको एक यहाँ पे मुझे एक संचित कर्म दिखाई दे रहा है कि पूर्व जन्म में जो आपने अच्छे काम किए थे, उसका अच्छा फल जो है वो 2024 में यहां पर आ रहा है. थोड़ा सा एक चीज जो मुझे आप लोगों के लिए आ रही है कि सी समटाइम्स इट हैपन्स कि जब लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होने लग जाती है या हमारे फेवर में होने लग जाती है, तो समटाइम्स ना हम क्या करते हैं कि जो हमारा बुरा वक्त था, उसमें अगर हमें किसी ने कुछ गलत कहा था, तो हम ऐसे लोगों से यू नो बहस करने लगते हैं, या हम उनको जाके दिखाते हैं कि सी नाउ वेयर वी आर राइट नाउ इन आर लाइफ. आई फील कि यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 2024 में ना हम्बल रहें. मीन्स अगर आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस आ रही है, मीन्स कि आपका कोई काम बन गया है, तो आपको ये नहीं करना कि दूसरों को जाके बताना है जस्ट टू शो दैम दैट फाइनली यू आर हेयर. आपको क्या करना है, आपको कुछ टाइम शांत रहना है, कुछ टाइम चुप रहना है. अगर आप किसी को बता भी रहे हो, तो जस्ट बी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ. अगर आप बहुत ईगो में आके किसी को बताओगे, सामने वाले को इंसल्ट करोगे बेसिकली, क्योंकि मुझे यहाँ पे केतु की एनर्जी आ रही है. केतु इन द सेकेंड हाउस मीन्स आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपके कुछ शब्दों की वजह से कहीं आपके रिलेशनशिप में कुछ खटपट हो सकती है. तो कोशिश यही करेगा कि हम्बल रहें, सबसे अच्छे तरीके से बात करें, प्यार से बात करें, तो चीज़ें आपकी अच्छी बनेंगी काफ़ी ज़्यादा. क्योंकि कम्युनिकेशन जो है ना, ये एक की प्ले करेगा आपके लिए 2024 के अंदर. प्लीज़ कालीमा, और क्या मैसेज है इन लोगों के लिए. वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव द कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स. कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे रहे हैं लवर्स, वाओ, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे रहे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको
काफी हर्ट किया है या आपको बहुत नेगेटिव फील कराया है, आप ऐसे लोगों से ना दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं 2024 में। आपको लगेगा कि बेशक ये मेरा फ्रेंड है या कितना भी क्लोज पर्सन है, मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है क्योंकि दिस पर्सन इज रियली टॉक्सिक। या फिर आप जो है उनको कम्युनिकेट करके बात बताएंगे, अगेन इन अ हम्बल वे दैट यू हैव टू डू। सो यहाँ पर आप उस इंसान को कम्युनिकेट करके बताएंगे कि आप उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। एंड इफ यू कैन सी, यहाँ पर एक आंख मुझे दिखाई दे रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी ना आंखें खुल जाएंगी किसी इंसान को लेके 2024 में, आपको रियलाइज होगा कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। यू ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ लवर्स विच इज शोइंग मी कि आपको फिर रियलाइज होगा कि कौन आपके लिए अच्छा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए आपको लगता है कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है या वो आपके लिए ठीक नहीं है, बट आपको रियलाइज होगा 2024 में कि वो लोग आपके लिए ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा बेटर हैं, राइट? वो चीज यहां पर आ रही है। लेट मी सी मोर विद द कार्ड्स। प्लीज काली माँ, प्लीज हमें बताइए क्या आने वाला है 2024 में इन लोगों के लिए। वी हैव द कार्ड, ओके, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, आई टोल्ड यू एक्सपेंशन इज अगेन जुपिटर, ग्रोथ, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, इंजॉइंग ईच अदर, काफी इंजॉय करने वाले हैं, बहुत हैपनिंग साल आप करेगा। आपको ऐसा भी लग सकता है कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। जैसे कि होता है ना एक रूटीन, थोड़ा सा भाग दौड़ वाला रूटीन हो जाता है, वो आपका हो सकता है, बट उससे आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी ही होंगी। विद दिस कार्ड ऑफ हार्ट विद अ की, वेलकम लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर इन परफेक्ट। किसी के घर में यहाँ पर बेबी आ सकता है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके फादर की या मदर की हेल्थ में कुछ इशू आ रहा है तो उसका सुधार जो है वो 2024 में हो सकता है। मीन्स कि आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिल सकता है जिसकी वजह से उनकी हेल्थ जो है वो पहले से बेटर हो सकती है, या आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट उनको इशू या प्रॉब्लम क्या है। ये भी मुझे दिख रहा है कि इफ यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, इफ यू आर लिविंग विद योर फैमिली, इवन इफ नॉट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेरेंट्स का 2024 में थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ी सी केयर करें। इट विल क्रिएट कर्मा फॉर यू, गुड कर्मा फॉर यू, और उससे आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सन एंड सैटर्न की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो बहुत जरूरी है कि अपने पेरेंट्स की आप रिस्पेक्ट करें, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएं, और अगर आपका कुछ ऐसा काम है कि आप दूर रहते हैं तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार आप उनको कॉल करके उनसे बात करें। वो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्लेसिंग लेके आने वाली है। लेट मी सी विद अदर कार्ड्स, माता रानी आपको और क्या बताना चाहती हैं। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ करेज एंड प्रोटेक्शन। तो शी इज सेइंग कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और वो चाहती हैं कि आप थोड़ा सा अपने अंदर एक करेज लेके आइए, कॉन्फिडेंट रहिए अपने आप को लेके, एंड यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है इस एफर्मेशन का यूज करना, दैट आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। ये बहुत जरूरी है, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ एंड आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। आप चाहें तो इसको कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख के यू कैन क्लेम दिस एनर्जी, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रांग मैसेज दैट इज कमिंग फॉर यू। एंड ये आपकी लाइफ में बहुत सारे प्लेजर्स एंड ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। चलिए देखते हैं एंजल आंसर कार्ड के थ्रू, प्लीज माता रानी क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है पाइल नंबर 3 के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग कराना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्योंकि अगेन इट्स अ जर्नल रीडिंग जहां पर मैं आपकी कुंडली को एनालाइज करूंगी, आई विल ऑल्सो यू टेरो कार्ड्स एंड योर ऑरेकल कार्ड्स, साथ ही साथ वैदिक रेमेडीज भी यहां पर दिए जाएंगे, तो आप डेफिनेटली करा सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाके मुझे मैसेज करके अपनी रीडिंग बुक। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर भी और पिक अ कार्ड रीडिंग्स आप देख सकते हैं। वी हैव द कार्ड इफ यू बिलीव, करेज का कार्ड है इफ यू बिलीव। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस की आपको जरूरत है, एंड अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना किसी कॉम्पिटिशन के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप थोड़े से उस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट रहेंगे फाइल नंबर 3, तो आपको यहाँ पर सक्सेस मिलेगा, बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। और जितना आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बाकी लोगों से अच्छा बिहेवियर रखेंगे, उनसे एक अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर टॉक्सिक, बट कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपको एक सर्कल हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, अगर आप उनके साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं तो उनसे आपको काफी सपोर्ट और हेल्प यहाँ पर मिल सकती है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ ही आपको अपनी लाइफ में मेजर शिफ्ट एंड चेंजेस दिखाई लगने लग जाएंगे, स्पेशली फेब्रवरी से आपकी ये चीज़ें यहाँ पर शुरू होते हुए मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स के अंदर। एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, रीडिंग को लाइक एंड शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।